जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर 2022 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक बहुत बड़ी 49 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म पब्लिश हुई थी, वो नेवल कमांड मुंबई में नेवी का ग्रुप सी का फॉर्म था। इसी के फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों 49 पोस्ट में से 40 पोस्ट ड्राइवर के हैं, तो आज हम लोग इसी का अप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। बहुत से बच्चों का डाउट था। दोस्तों ये अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मैंने निकाल लिया है, अगर आपके पास इसका प्रिंट नहीं है यानी कि पीडीएफ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप नंबर मेरा लेके मैसेज करेंगे आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद यहां पे सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीन ही पोस्ट है, एक ड्राइवर है एक और है, तो उसमें एक दो पोस्ट ही हैं और हायर एजुकेशन मांगा जा रहा है, तो ड्राइवर पे ही 10th पास मांगा जा रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है, तो इसी में हम बात करेंगे। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो चाहे मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस हो या हैवी व्हीकल का हो, कोई भी लाइसेंस हो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और अपना कैटेगरी लिखना है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि आधा सिग्नेचर नीचे कर देना है, आधा सिग्नेचर ऊपर कर देना है और डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है, फिर पिताजी का नाम लिख देना है, दो नंबर में, तीन नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, चार नंबर में एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, मतलब जिस डेट को अप्लीकेशन फॉर्म लास्ट हो रहा है उस डेट को आपका एज कितना हो रहा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन स्टार्ट डेट 10/9/2022 यानी कि 10 सितंबर 2022 अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 30/9/2022 को अप्लीकेशन का लास्ट डेट है, तो उसी से आप अपना गूगल से एज कैलकुलेटर सर्च करके आप एज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। सो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे अपना स्टेट लिख दीजिएगा। अब स्टेट की बात करें दोस्तों तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फिर एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब पत्राचार का पता, आप मतलब पत्राचार का पता दोस्तों आप लोगों को देखिए यहाँ पे पत्राचार का दोस्तों पत्राचार का पता, पत्राचार का मतलब पता होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपना एडमिट कार्ड कहाँ मंगाना चाहते हैं, ये तो हो गया परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे दिया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप पढ़ाई के रिगार्डिंग कहीं रह रहे हैं वहाँ पे एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और सेम है तो सेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, आधार नंबर लिख दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मतलब गवर्नमेंट का नौकरी कर रहे हैं या किए हैं तो यहाँ पे यस लिख के उसकी जानकारी दीजिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस लिख के उसकी जानकारी यहाँ पे दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। अब दोस्तों बात करें, ये तो फर्स्ट पेज हो गया, अब दूसरे पेज की हम बात करें तो ये दूसरे पेज में दोस्तों 10 नंबर है, वे देयर पीडब्ल्यूडी, मतलब आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हैं तो यहाँ पे यस लिखिएगा, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर में बात करें अपना कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको टिक कर लीजिएगा। 12 नंबर में अगर आप एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। 13 नंबर में नेशनलिटी लिख दीजिएगा, 14 नंबर में आप अपना जेंडर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, 15 नंबर में आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। 16 नंबर में रिलीजन लिख दीजिएगा, आप किस धर्म से आते हैं। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर में बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कौन कौन से पढ़ाई किए हैं, यहाँ पे सबसे पहले 10th लिख दीजिएगा, किस बोर्ड से किए हैं, किस साल पास आउट हुए थे, कितने परसेंट, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, आपके बोर्ड में कितना परसेंट आपको नंबर आया था, कौन सा डिवीजन था। फिर अगर आप 12th कर लिए हैं तो 12th के बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा, 12th लिख दीजिएगा, किस बोर्ड से किए हैं, किस ईयर में किए हैं, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना परसेंट नंबर आया था, कौन सा डिवीजन था। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन के बारे में लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि 10th पास ही मांगा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यहाँ बात करें अगर लाइसेंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल, अगर आपको आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखिएगा, डेट ऑफ इशू लिखिएगा, लाइसेंस नंबर लिखिएगा, इशू ऑफ राइट अपना जहाँ से इशू हुआ है उसका लिख दीजिएगा, वैलिड अब तो कब तक वैलिड है वो लिख दीजिएगा। अगर आप मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब 10th क्वालिफिकेशन पे लाइसेंस बनता है तो यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी 10th लिख दीजिएगा, जिस भी क्वालिफिकेशन पे आप लाइसेंस बनवाए हैं उसका डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है, लाइसेंस नंबर लिख दीजिएगा, कहाँ से इशू हुआ है वो लिख दीजिएगा, वैलिड टू कब तक वैलिड है वो लिख दीजिएगा। अब 20 नंबर में बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस मतलब आप कहीं काम किए हैं तो वो लिख दीजिएगा, किस पोस्ट पे काम किए हैं, ऑफिस इंस्टीट्यूट कौन सा था, कब से कब तक काम किए हैं, टोटल कितने मंथ काम किए थे,
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेचर ऑफ ड्यूटीज, आप किस नेचर पे ड्यूटी कर रहे थे वो लिख दीजिएगा। अब दोस्तों ये हो गया, दूसरा पेज भी हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया। तीसरे पेज की बात करें तो यहाँ पे 21 नंबर में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके आपका कहीं कट का या कहीं भी चीना या तिल उल है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दीजिएगा। डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा दीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इंक्लूजर में आप मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम एजुकेशन सर्टिफिकेट सबसे पहले लगा रहे हैं, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं। तो आप जो भी लगा रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। छः मतलब है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको छः लगाना ही है, आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब दोस्तों हम इसके साथ आप बात करें तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाना है मैं आपको डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले याद रहे दोस्तों आप लोगों को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि फोटोकॉपी के, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसके फोटोकॉपी के नीचे साइन करके और डेट लिख दीजिएगा। आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आप 12th नहीं किए हैं तो ये लगाना मैंडेटरी नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। अगर आप EWS अप्लाई कर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट भी आप लगा दीजिएगा। और अब आपको ड्राइवर पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर पोस्ट में ही 40 वैकेंसी है तो ड्राइवर पोस्ट पे ही अप्लाई करना सही रहेगा, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगाना ही है दोस्तों। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको रख देना है। उसके बाद 1 सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व विथ पोस्टल स्टाम्प ऑफ 45 रुपये का, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ऐसा एक सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व आपको लाना है जिसपे 45 रुपये का डाक टिकट छाटा होना चाहिए। आप 2 करके आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं 2 करके आपको नेम लिख देना है, SO में अपने पिताजी का नाम लिख देना है, विलेज लिख देना है, पुलिस स्टेशन लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट बिहार मतलब जिस स्टेट से आते हैं स्टेट का नाम लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 45 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है, आप काउंट कर सकते हैं 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34 का 12, 33 का 12, 45। आप देख सकते हैं 45 रुपये का टिकट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा बड़ा वाला इनवॉल्व लाना है जिसके सबसे ऊपर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, एंड अपना कैटेगरी लिख देना है, फॉर्म में अपना नाम लिख देना है और अपना विलेज, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब लिख के। और 2 में दोस्तों ये देखिए एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर CCPO हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड बल्लाड स्टेट नियर टाइगर गेट मुंबई पिन 400001। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और इस सभी डॉक्यूमेंट्स को, मतलब ये जो अप्लीकेशन फॉर्म है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके पिनअप कर लीजिएगा, और पिनअप करने के साथ इनको इसके पीछे पिनअप कर लीजिएगा, और पिनअप करने के बाद ये छोटा वाला लिफाफा को भी आप इसके साथ रख लीजिएगा, और सभी को फोल्ड करके इस बड़े वाले लिफाफा में जिसमें आपने अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा है उसी के अंदर आप लोगों को रख देना है। और रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट आप जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिसका आप कॉस्ट कंफर्टेबल लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।